ट्विन डिलीवरी के बाद जो आपका शरीर है वो कुछ अलग ही तरीके से दिखने वाला है। आपको इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्विन डिलीवरी के बाद आपकी बॉडी में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि अस्थाई होते हैं, यानी कि कुछ समय के बाद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। आप एक बात का ध्यान रखें कि ट्विन डिलीवरी होने के बाद आपकी बॉडी को रिकवर होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप बहुत ही जल्द ठीक हो जाएंगी। और आपको अपनी बॉडी को सक्सेसफुल रिकवरी देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को ज्यादा से ज्यादा आराम देने की कोशिश करें, और आपको पेशेंस जरूर रखना है एंड अपने आप को पर्याप्त टाइम भी दें ताकि आपकी बॉडी आराम से रिकवर हो सके। और इस बीच आपको कोई भी फालतू का ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। अगर आप करती हैं तो आप और आपके बच्चे दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होगा, आप इस बात का भी ध्यान रखें। डिलीवरी के बाद जो आपका पेट होता है वो एकदम से बिल्कुल कम नहीं होता है, बल्कि थोड़े दिनों तक आपको ऐसा फील होगा जैसे आप 4 से 5 मंथ अभी भी प्रेग्नेंट हो और आपका पेट बहुत ही ज्यादा ढीला ढीला एंड लटका लटका सा महसूस होगा। तो आप इसमें बिल्कुल भी परेशान ना हो एंड आप बहुत ही जल्दी जिम एंड डाइटिंग करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस तरीके से आपका पेट जो है 9 महीने में धीरे धीरे बढ़ता है, उसी तरीके से आपका जो पेट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट करेंगी, थोड़ा बहुत चलना फिरना स्टार्ट करेंगी, तो इस बीच आपका पेट अपने आप ही धीरे धीरे कम हो जाएगा। और आप एक बात बहुत ही अच्छे से समझ लें कि सिंगल डिलीवरी की तुलना में ट्विन डिलीवरी के बाद जो आपका पेट होता है उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है अंदर जाने में, तो आपको उसको पूरा टाइम देना है कम से कम 1 साल का। आपकी जो पेट की त्वचा होती है वो ट्विन्स को जन्म देने के बाद बिल्कुल फैली हुई होगी, और इससे आपको थोड़ा सा चलने उठने एंड बैठने में भी अनकंफर्टेबल जैसा महसूस हो सकता है, और ये समस्या आपकी बहुत ही जल्द दूर हो जाएगी। तब तक आप जो है डिलीवरी के बाद जो बेल्ट आती है आप उनका बिल्कुल यूज कर सकती है अपनी बॉडी एंड अपनी सेप के अकॉर्डिंग, उससे आपको काफी ज्यादा राहत मिलेगी। और आपके पेट में जो है डिलीवरी के बाद लगभग 7 से 10 दिन तक मरोड़ जैसी महसूस होगी एंड थोड़ा बहुत दर्द भी रहेगा, क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद आपका जो गर्भाशय होता है वो धीरे धीरे सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसमें आपको शुरुआत के 2 से 3 दिनों तक सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है। ट्विन्स को जन्म देने की वजह से जो आपकी वजाइना से ब्लीडिंग होती है वो भी बहुत ज्यादा हो सकती है, जिसको की लोचिया बोला जाता है। शुरुआत के 10 दिनों तक आपको ब्लीडिंग एकदम लाल कलर में एंड बहुत ही ज्यादा हैवी महसूस होगी, लेकिन फिर ये ब्लीडिंग जो है वो कुछ दिनों बाद हल्के रंग की हो जाएगी एंड 4 से 6 वीक्स कंप्लीट होने के बाद आपके जो है हल्के हल्के निशान आएंगे एंड उसके बाद में ये जो ब्लीडिंग है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। कमर दर्द जो होता है वो आपकी प्रेगनेंसी के टाइम ही नहीं रहता है, बल्कि डिलीवरी होने के बाद भी कुछ दिनों तक बना रहता है। डिलीवरी के बाद आप जब भी ट्विन्स बेबी को इधर से उधर ले जाएंगी तो ऐसे में आपको कमर दर्द बहुत ही ज्यादा परेशान कर सकता है। प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं वो आपकी मसल्स एंड लिगामेंट्स और जोड़ों को भी आराम देते हैं, इसलिए आपकी पीठ की जो पहले जैसी ताकत है उसको नॉर्मल होने में कुछ वीक्स का समय जरूर लगता है। तब तक आपको अपनी बैक में बहुत ही अच्छे से डेली मालिश जरूर करानी है। डिलीवरी होने के बाद आप अपनी पूरी बॉडी में हर जगह बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपके कूल्हों में, घुटनों में एंड आपके पैरों में एंड आपकी कमर में, और इस दर्द को ठीक होने में कई वीक्स का टाइम लग जाता है। आपकी अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपको पुश करने में एंड बच्चों को जन्म देने में कई घंटों का टाइम लग जाता है, जिस बीच आप बहुत ही ज्यादा थक जाती हैं। एंड इसके अलावा आपको डिलीवरी के बाद पूरी पूरी रात जगकर बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करानी पड़ती है एंड उनकी नेपी वगैरह चेंज करनी पड़ती है, जिस वजह से आपकी नींद भी अच्छे से पूरी नहीं होती है एंड आपको अच्छे से आराम भी नहीं मिल पाता है, जिस वजह से आपको बहुत ही ज्यादा थकान महसूस हो सकती है। अगर आपका सी सेक्शन होता है तो आपके बाहरी टांकों को सही होने में लगभग 6 वीक्स का टाइम लग जाता है। इस बीच आपको टांकों के आसपास सुन्नपन एंड खुजली भी महसूस हो सकती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। डिलीवरी होने के बाद आपके मिल्क को लगभग आने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, तो इस बीच आपको गले में खराश एंड आपके ब्रेस्ट से मिल्क टपकना महसूस हो सकता है।
लेकिन जब आप अपने दोनों बेबी को अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट कर देती हैं, तो आपको जो ये बेचैनी रहती है ये सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। और जब तक आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं तब तक आपको पर्याप्त मात्रा में हेल्दी भोजन खाना है एंड ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन जरूर करना है ताकि आपके ब्रेस्ट में मिल्क की कमी ना हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।